फाइनली फाइनली दोस्तों हमारा फ्री फायर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। एंड गाइस हमारे फ्री फायर के अंदर आ चुका है एक और नया इवेंट, जिसके अंदर गाइस आप सभी को मिलने वाला है एक नया कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये वाला कैरेक्टर आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका मिशन क्या होगा, इसके मिशन को कैसे कंप्लीट करना है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के भाई इसका एट्रीब्यूट एबिलिटी यानी पावर क्या है, सारा सब कुछ बताऊंगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको सभी कैरेक्टर मिलेंगे 7 डे के लिए। तो अगर कोई आपके पास कैरेक्टर नहीं है तो यहाँ पे कैरेक्टर सिलेक्ट करके ले सकते हो। देखो गाइस मेरे पास तो ऑलरेडी सभी कैरेक्टर अवेलेबल है। फिर उसके बाद बात करते हैं इवेंट के बारे में कि भाई आपको ये वाला कैरेक्टर कैसे मिलेगा। बट उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसकी एट्रीब्यूट एबिलिटी यानी पावर के बारे में कि भाई ये वाला कैरेक्टर क्या काम करता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये वाला कैरेक्टर को आप एक तरह से स्पाइडरमैन बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका स्किल का नाम ही है स्पाइडर ट्रैप, ट्रैप यानी जाल बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला कैरेक्टर क्या करेगा कि जैसे ही ये कैरेक्टर का आप यूज़ करते हो तो आपका एक राउंड बनेगा, और उस राउंड के अंदर अगर कोई भी बंदा आता है तो वहाँ पे उसमें फंस जाएगा और उसके पैर पकड़ लेगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट कहाँ होने वाला है आप खुद सोचिए, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्लेश कोड के अंदर और रैंक दोनों के अंदर काम आने वाला है। तो क्लेश कोड के अंदर आप अगर खेलते हो तो आराम से बंदे को फंसा के मार सकते हो, और बी आर रैंक के अंदर बंदा ये वाले कैरेक्टर का यूज़ करते आपको ग्रेनेड ले लेना है, और बंदा जैसे रिंग बनाता है बस ग्रेनेड करो उसको फंसा के डुप्लेट करके आराम से मार सकते हो। तो है ना कमाल का कैरेक्टर, बाकी और भी बहुत कुछ है जिसका मैं कॉम्बिनेशन का अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अब देखो दोस्तों आपने कैरेक्टर का एबिलिटी तो देख लिया, लेकिन लेकिन अब मेन बात आती है कि भाई ये वाला कैरेक्टर को लेने के लिए हमें क्या पूछ करना पड़ेगा, यानी दोस्तों इसका मिशन क्या है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पे इवेंट सेक्शन है, उसके अंदर चले जाना है। अब देखो इवेंट सेक्शन के अंदर जैसे आप तीसरे नंबर पे गेम अपडेट पे आओगे तो यहाँ पे इवेंट दिखाई देगा, जहाँ पे आपको 30 रिवार्ड भी मिलेगा और कैरेक्टर भी मिलेगा। तो यहाँ पे पहला नंबर 1 देख लीजिए, प्ले एट मैच BRCS लोनवुड, यानी दोस्तों आपको 8 फेज खेलना है तो 30 रिवार्ड मिलेगा। उसी तरह जैसे दोस्तों आप 16 मैच खेलोगे तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर मिल जाएगा, बट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, उसके बाद 24, 36 और 40, यानी दोस्तों आप 40 मैच खेलोगे तो यहाँ पे पूरा के पूरा कैरेक्टर मिल जाएगा। अब देखो आप PR के अंदर खेलते हो, CS के अंदर खेलते हो या फिर लोन वुल्फ के अंदर खेलते हो, अब यहाँ पे आप नॉर्मल खेलते हो या फिर रोइंग खेलते हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही दोस्तों आप 40 मैच यानी 14 मैच को खेलोगे तो आपको ये वाला कैरेक्टर मिल जाएगा। बाकी गाइस आपको ये वाला कैरेक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड बाय द वे मेरे पास टाइम रहा तो दूसरा भी इवेंट आया उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।